ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि आपकी कोई मनोकामना है जिसको आप चाहते हैं कि वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाए, तो मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक रहस्यमय मंत्र है, जिस मंत्र को अगर आप जपेंगे तो आपकी मनोकामना विद इन 20 दिन 15 दिन महीने भर में उसमें सकारात्मक परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो वो मंत्र कौन सा है जिस पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मंत्र को अगर आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, मेरी बातों को बहुत बारीकी से समझें ताकि आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें। और अगर अपने कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपके मन में जो कुछ भी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, उसे तटस्थ कर लें कि मुझे ये चीज़ होनी चाहिए। हाँ, ये मनोकामनाएं सकारात्मक वे में होना चाहिए, इसमें कहीं भी किसी व्यक्ति का अहित नहीं जुड़ा होना चाहिए कि इस व्यक्ति का बुरा हो जाए या ऐसा हो जाए, ये चीज़ें पूरी नहीं होगी। मैं पहले ही ये बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहाँ जाएँ, अपनी जो भी मनोकामना हो पूरे भाव के साथ शिव जी को कहें कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी ये मनोकामना है और ये मनोकामना पूर्ण हो। जब आप ईश्वर से पूरे भाव के साथ पूरी श्रद्धा के साथ कहेंगे तो उसके जो वेव्स है, जो पॉजिटिव तरंगे हैं, वो आप में एक सकारात्मकता प्रदान करेगी और आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। दूसरा तरीका है, आप अपने ईश्वर के लिए ये बात कहें कि हे ईश्वर, मेरी ये मनोकामना ये पूर्ण हो जाए, मैं राम के 1000 बार, 5000 बार, 10000 बार, 20000 बार, 21000 बार नाम लूँगा या गायत्री मंत्र का जाप करूँगा, कोई भी मंत्र, जो मंत्र आपको अच्छा लगता हो उन मंत्र का जाप करूँगा। तो मनोकामना पूर्ण होने से पहले ही उन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दें और उन मंत्रों को पूर्ण कर दें, इससे भी आपको बहुत हद तक आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब रही बात कुछ मनोकामनाओं में वक्त लगता है।